ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं GTA लिबर्टी सिटी। तो आज हमें बॉस ने एक काम के लिए बुलाया है। उसने हमें एक कार भी दी है, वो कार मैंने गैरेज में रख दी थी लास्ट टाइम। तो अब मैं इस कार में बैठकर चलता हूँ बॉस से मिलने के लिए। उसने बुलाया है, देखते हैं क्या काम देता है। तो जल्दी से भगा कर मैं कार में उसके घर पे पहुंचता हूँ, यानी उसके होटल में। इस बार उसने अपने घर पर नहीं बुलाया है मुझे, उसने कहा है कि तुम होटल पर मिलने के लिए आ जाओ, एक काम है, किसी से बदला लेना है, ऐसी कोई बात कर रहा था। तो मुझे वो पता नहीं है, मैं सीधा उसके घर पर जाने वाला हूँ और देखते हैं अब क्या कहता है। वैसे आप सबको बता दूँ कि अगर किसी को भी ये गेम प्ले अगर डाउनलोड करना चाहते हो मोबाइल में, तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर ज़रूर बता देना, मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा। आपको सिंपली से हमारे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर देना है। फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ मैसेज कर देना कि हमें लिंक चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको लिंक दे दूंगा। तो आपको अगर लिंक चाहिए तो बता देना। यहाँ पर मुझे लगता है मैं थोड़ा रॉन्ग वे आ चुका हूँ, क्योंकि आज नई नई गेम प्ले सीरीज़ खेलना शुरू किया है, इसलिए रास्ते मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। यहाँ पर मुझे मुड़ना था और मैं आगे चला गया हूँ, और भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन तो लग ही रहा है इन रास्तों में। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, हमारे पास मैप है तो क्या डर है। तो मुझे लगता है यहाँ से मुझे मुड़ना है। अरे भाई साहब, सीधा नहीं, ये पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन जाएगा तो हम दूसरी सिटी में भी जा पाएंगे। तो इस तरफ जाना था मुझे, तो मैं सीधा चलता हूँ और फाइनली मैं बॉस के होटल पर पहुँच चुका हूँ। इस कार को मैं यहाँ नहीं रखूँगा, ये बहुत ही टूट चुकी है, अब मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसे यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, लॉक नहीं करूँगा, जिसे चाहे वो ले जा सकता है इस कार को। और अब मैं जाकर जल्दी से बॉस से बात कर लेता हूँ और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसे। तो ओके गाइस, मेरी बॉस से बात हो चुकी है। बॉस कह रहा है कि उसके जो पुराने दुश्मन हैं वो इस लिबर्टी सिटी में आए हुए हैं और उसे मारने का प्लान कर रहे हैं। तो उसने हमें सिंपल काम दिया है कि वो तीन लोग हैं और तुम्हें जाकर उन तीनों को मारना है, और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो तुम रखना, और मैं तुम्हें इस मिशन के $500 पे कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम उन लोगों को मारेंगे तो वो पैसा भी हमें ही मिलेगा, प्लस वो बॉस है वो हमें $500 पे करना चाहता है। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी डील है, पैसे भी हमारे पास बहुत ही कमी है, पैसे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, मुझे उसने लोकेशन दी थी तीन लोगों की। तो आई थिंक अब मैं लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, और ये रहा पहला बंदा। तीन बंदे हैं, हमें तीनों को मारना है, और हम अभी हमारे पास कोई भी वेपन नहीं है, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है सारी जगह ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको मार देता हूँ, और इससे जो भी पैसे मिलेंगे वो भी मेरे होंगे। तो यहाँ पर पैसे मुझे मिल चुके हैं। अब सेकंड बंदा है जो मुझे मैप में दिख रहा है, तो मैं भी उसे पकड़ कर उसे भी मार देता हूँ, ताकि उससे जो पैसे मिले वो भी मुझे मिलेंगे। तो वैसे आप सबको बता दूँ, अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, फिर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो डालते ही आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है। तो इसे भी मैंने मार दिया है, सेकंड बंदे को भी। वैसे मैं सोच रहा हूँ जो अभी GTA San Andreas अपडेट हुए हैं उसकी भी गेम प्ले किए जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉमेंट में मुझे जाकर ज़रूर बता देना। यहाँ पर अब तीसरा बंदा भी बचा हुआ है, उसे मैं बाइक पर जाकर मार देता हूँ, क्योंकि बाइक से उड़ाऊँगा फिर भी चलेगा। वो रहा सामने की तरफ बंदा, अरे भाई साहब थोड़ा सा निशाना चूक गया है मैं, अरे वो तो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ गया है। मैं बाइक से पहले उतर जाता हूँ, क्योंकि बाइक पर प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं इसे मारने का शुरू कर देता हूँ, और इसे बहुत गंदे वाला पड़ने वाला है, क्योंकि इसने बॉस से पंगा लिया है। तो अब इसे तो पड़ेगी, प्लस मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया है, मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो 20 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, ज़रूर पूरा कर देना।
ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।